नमस्ते, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे होमोसेक्सुअल ओसीडी के बारे में। वो पहले समझ लेते हैं कि ओसीडी क्या है। ओसीडी स्टार्ट्स विद, जो ओसीडी की जो साइकिल है वो शुरू होती है ऑब्सेसिव थॉट्स से। ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं इंट्रूसिव थॉट्स, उन्हें इंट्रूसिव थॉट्स भी कहा जाता है। वो है अनवांटेड थॉट्स, जो विचार हमें नहीं चाहिए और जो बार बार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जो होमोसेक्सुअल ओसीडी में वो सेक्स रिलेटेड थॉट्स होते हैं। जैसे आप बैठे हुए हो कहीं पे और फॉर एग्जांपल कोई लड़का आया, तो वो लड़के के बारे में अगर आपने उस लड़के को देखा तो आपको लगेगा कि आपने अगर सोचा अरे ये कितना हैंडसम है, तभी आपके दिमाग में शुरू हो जाएगा और तुमने उसको हैंडसम बोला, इसका मतलब क्या तुम गे हो, और वही थॉट फिर घूमता रहेगा। या कुछ तुमने कोई मूवी देखी जिसमें कोई लड़का देखा, या फॉर एग्जांपल कोई बॉलीवुड स्टार ही आपने देख लिया, कोई हीरो, और उसके बाद वो आपने आपने सोचा कि ये कितना हैंडसम है, या अरे इसकी मसल्स इतनी अच्छी है, और वही फिर विचार आपके दिमाग में आता रहता है। या फिर एग्जांपल आप किसी पार्टी में गए और आपने किसी को देखा, तो फिर आप देखोगे अरे मैं उसको इतनी देर तक देख रहा था, इसका मतलब है मैं उससे अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो बेसिकली होमोसेक्सुअल ओसीडी में जो स्ट्रेट लोग होते हैं उनको गे रिलेटेड थॉट्स आने लगते हैं, और जो होमोसेक्सुअल ओसीडी होता है, एक हेट्रोसेक्सुअल ओसीडी भी है जो गे लोगों को होता है, उनको ये थॉट आता है कि वो गे है बट उनको लगता है कि वो असली में स्ट्रेट है, तो उनको स्ट्रेट वाले इंट्रूसिव थॉट्स आने लगते हैं। तो ये आप देखिए कि ओसीडी इतना चालाक है कि जो जो मतलब स्ट्रेट है उसको गे वाले वो थॉट्स आते हैं, तो फिर वो उससे होती है एंग्जाइटी, और जो गे होते हैं उनको स्ट्रेट वाले इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं और उनसे उनको होती है एंग्जाइटी। फिर उस एंग्जाइटी को दबाने के लिए वो करते हैं कंपल्शन। कंपल्शन ज़्यादातर होमोसेक्सुअल ओसीडी में मेंटल कंपल्शन ही होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो होता है वो है लॉजिकल आर्गुइंग या रैशनलाइजिंग। वो अपने थॉट से लड़ने लगते हैं कि नहीं, मैं तो पहले मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, मैंने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा है, या तो मैं तो पहले जब बचपन में हीरोइंस को ही देखता था, या मैं मतलब सीन्स वगैरह, सेक्स सीन्स वगैरह में लड़कियों पे ही फोकस करता था। तो ये सब वो अपने आप से बात करेंगे कि नहीं, पहले की जो चीज़ें हैं, जो पास्ट की जो वो मेमोरीज है वो लेके आएंगे और उससे आर्ग्यू करेंगे अपने थॉट्स से। सेकंड चीज़ है वो या तो मेंटल काउंटिंग कर सकते हैं, या तो कोई मंत्र पढ़ सकते हैं कि जैसे कोई अगर गे रिलेटेड थॉट आया, कोई सेक्स रिलेटेड थॉट आया, तो वो मंत्र वगैरह पढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद काउंटिंग कर सकते हैं, 1 to 100 जैसे काउंटिंग करने लग गए अगर थॉट्स आए तो, या तो फिर वो कोई और एक्सटर्नल कंपल्शन भी कर सकते हैं, हाथ धोना या चेक करना कि अरे मैं सेक्सुअली अराउज तो नहीं हूँ, मुझे अराउजल तो नहीं हुआ है, तो वो बार बार ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब कंपल्शन होते हैं एंग्जाइटी को दूर करने के लिए। अब ये क्या है कि होमोसेक्सुअल ओसीडी और ये जो हेट्रोसेक्सुअल ओसीडी है वो सेक्स से रिलेटेड है, और हमारी इंडियन सोसाइटी में सेक्स को बहुत ही टैबू, बहुत ही दबा दबा के रखा जाता है, उसके बारे में बात नहीं की जाती। तो जो मैंने देखा है अपनी रिसर्च में कि जो होमोसेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल ओसीडी के जो पेशेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, थेरेपिस्ट के पास, तो वो आपको सबसे पहले तो मेडिसिंस देंगे। SSRI मेडिसिंस होती है, जैसे प्रोजैक हो गया, पैक्सिल हो गई, तो वो क्या करेगी, आपकी एंग्जाइटी को दबाएगी, पर वो आपका OCD पूरी तरह से ठीक नहीं करेगी। पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको थेरेपीज करनी पड़ेगी, जैसे ERP थेरेपी हो गया, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, या ACT थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। दोनों ही थेरेपीज के वीडियो मेरे चैनल पे है, आप मैं उसका लिंक डाल दूंगा, एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, आप उसे जाके जरूर देखिए, वो उससे आपको बहुत फायदा होगा। जो ACT थेरेपी है वो तो जो होमोसेक्सुअल OCD हो गए, रिलीजियस OCD के लिए हो गए, उसके लिए परफेक्ट है। वो प्योर OCD जो जिसे कहा जाता है उनको बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक कर देती है। तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। OCD कंट्रोल किया जा सकता है, 100% कंट्रोल किया जा सकता है बिना दवाइयों के। तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड, एंड लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, कीप फाइटिंग।